नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको स्पिरिट गाइड के बारे में और विस्तार से थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करने के बारे में कुछ बताया था, लेकिन शायद सब लोग उसको नहीं समझ पाए। तो बहुत सारे सवाल आए हैं, लोग कहते हैं मेरे स्पिरिट गाइड कौन है, मुझे बताओ। मैं आपको बता देता हूँ, सभी सवालों के लिए कॉमन आंसर है, जिस भी इष्ट देव या देवी देवता के प्रति या किसी संत के प्रति आपके मन में बचपन से ही आकर्षण हो, आपके मन में उनके प्रति खिंचाव हो, आपको उनके प्रति एक प्रेम का भाव फील होता हो, वही आपके इष्ट या गुरु या स्पिरिट गाइड हैं। इनको एक ही मानिए, इनमें कंफ्यूज मत करिए। हालांकि होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सेम होते हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूजन मत करिए। आपके इष्ट और आपके स्पिरिट गाइड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। स्पिरिट गाइड कौन होते हैं? स्पिरिट गाइड बहुत सारी आत्माओं के एक मास्टर स्पिरिट होती है। उनके पास उस स्पिरिट को हम जैसी आत्माओं को एक विशेष दिशा में ले जाने के लिए उनको मार्गदर्शन देना, उनको प्रेरित करना, ये स्पिरिट गाइड का काम होता है। जैसे मान लीजिए भगवान शिव बहुत सारी आत्माओं के स्पिरिट गाइड हैं। ऐसे स्पिरिट गाइड जो हैं, जब हमें वो गाइडेंस देते हैं तो जीवन में अलग अलग समय पर उनका हमारे जीवन में इंटरफेरेंस होता है और वो लगातार हमारे जीवन को उस दिशा में लेकर जाना के लिए प्रेरित करते रहते हैं जो लक्ष्य हमने अपने लिए निर्धारित किया होता है। वो हमें ही उस मार्ग पर ले चलने में सहायता करने के लिए स्पिरिट गाइड होते हैं। ये हमने जब हम स्पिरिट वर्ल्ड में होते हैं तो हमने उनके साथ मिलकर बैठकर डिसीजन लिया होता है कि मैं जीवन में ये चाहता हूं, और स्पिरिट गाइड का काम होता है आपको उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करना। अब ये जो स्पिरिट गाइड होते हैं, ये आपके जीवन में मुख्य मुख्य घटनाओं को प्रभावित करते हैं। ये हर समय आपके साथ नहीं होते। जो एंजल होते हैं, जो गार्डियन एंजल होते हैं, वो आपके साथ हमेशा होते हैं। वो आपके कंधे के लेफ्ट और राइट साइड में दो गार्डियन एंजल होते हैं। ऐसा बाकी धर्मों में भी कहा गया है, ऐसा इस्लाम में भी कहा गया है, ऐसा जो है बाकी के धर्मों में भी कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र आता है। क्रिश्चियनिटी में भी इस बात का जिक्र आता है कि हाँ, हमारे दो एंजल होते हैं। यही मैं आपसे कह रहा हूं, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं फील करता हूं, मुझे फील होते हैं कि वो एंजल किस तरह के हैं, उनका ऑरा क्या है, और वो हर समय साथ देने को बैठे रहते हैं। गार्डियन एंजल होते हैं वो हमारे। अब इनसे संपर्क क्यों स्थापित किया जाए, पहले मैं समझू स्पिरिट गाइड वाली बात। स्पिरिट गाइड को जैसे मान लीजिए मेरे स्पिरिट गाइड माँ भगवती हैं, माँ दुर्गा हैं, मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए, या किसी के स्पिरिट गाइड भगवान शिव हैं, या और भी मैं आपको नाम बता देता हूं जो स्पिरिट गाइड बहुत कॉमनली हमें जब हम किसी से कनेक्ट करते हैं तो पता चलता है, गणेश जी, हनुमान जी, भगवान शिव, हजरत मोहम्मद साहब, इसी तरह से जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक देव जी महाराज, संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, संत कबीर जी, ऐसे ही और अनेक अनेक संतों के नाम हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और ऐसे अनेक संतों के नाम, और बहुत सारे कुल देवता जो होते हैं, कुछ कुछ वो लोग भी इष्ट के रूप में, कुछ वो लोग भी स्पिरिट गाइड होते हैं। तो ये स्पिरिट गाइड होते हैं जिनका जिम्मा होता है इस सोल को, इस आत्मा को अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाने का। अब ये लोग अब आपके इष्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्टली ये भी हो सकते हैं, नहीं तो ये आपके इष्ट को के थ्रू ही आपको प्रेरणा देते हैं। तो आपको इनसे अलग से संपर्क बनाने की जरूरत नहीं। मान लीजिए आपके स्पिरिट गाइड, आपको लगता है कि आपने पता लगाया कि मेरे स्पिरिट गाइड जो है वो भगवान शिव हैं, लेकिन आपको शुरू से ही माँ दुर्गा के साथ, माँ भगवती के साथ आपका ज्यादा प्रेम का रिश्ता रहा है, यानी परमात्मा को आपने माँ रूप में ज्यादा देखा है, तो आपको भगवान शिव स्वीकार नहीं होते कि ऐसे कैसे हो जाते हैं, मैं इनकी पूजा करूं या उनकी पूजा करूं। डोंट कंफ्यूज, नो कंफ्यूजन। अपने जिनके साथ भी आपका प्रेम का रिश्ता है, बस उन्हीं के साथ, उन्हीं को आप सब कुछ मानते हुए निभाइए, जिनके प्रति भी आपके मन में आकर्षण पैदा होता है।
बस उन्हीं के प्रति आप निभाइए, उन्हीं को अपना सब कुछ मानते हुए चलिए। मतलब वो परमात्मा के इस यूनिवर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आपको कभी भी गलत राह नहीं दिखा सकते। गाइड का मतलब ही क्या होता है, टूर गाइड का मतलब क्या होता है, टूर गाइड टूरिस्ट का मतलब, टूरिस्ट गाइड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, वो जिस भी जगह पर जाते हैं आप जाते हो उनको पता होता है कि यहां पर ये जगह में क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका इतिहास क्या है, ये कहां जाती है ये चीज, आगे क्या और पीछे क्या, हर जगह के बारे में उन्हें पता है, वो होते हैं टूरिस्ट गाइड। ऐसे ही आपकी जीवन में आने वाली हर घटना का इन्हें पता होता है, ये कर्म इनका आने वाला है, ये अब होने वाला है, ऐसा हुआ था पहले, इस कर्म का फल ये चल रहा है, ये सारा रिकॉर्ड रहता है स्पिरिट गाइड के पास या आपके इष्ट देव के पास। इन दोनों को अलग मत समझिए, मैं कंफ्यूजन मत क्रिएट की, हालांकि होते अलग हैं, बट डोंट गेट कंफ्यूज। आपके लिए वही आपके इष्ट देव के रूप में ही आप उनकी ही आराधना करें, उनकी पूजा करें, उनके थ्रू ही यूनिवर्स को आप रिप्रेजेंटेटिव उनको मानते हुए आप उनके को उनसे मैसेज करें, उनसे बात करें। अब इनसे बातचीत कैसे होती है, मेन मकसद है कि इनके गाइडेंस कैसे मिलती है। इनके गाइडेंस के लिए आपको शांत होना पड़ता है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखिए मैं अपने गुरुदेव से कनेक्ट करता हूं, मेरे स्पिरिट गाइड वही है, मेरे इष्ट वही है, मेरे गुरु वही है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, ये काम है, ये काम होगा, ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे आपसे इसमें इनपुट चाहिए। अगर होगा तो अगले दो मिनट में मुझे कोई ना कोई इंडिकेशन दीजिए। ऐसा करके मैं चुपचाप शांत होकर खाली होकर अपने आप को बिना किसी एक्सपेक्टेशन की ये काम हाँ आनी चाहिए या ना आनी चाहिए, इन सारी बातों से दूर होकर अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेता हूं। अगर खाली करने के लिए मुझे कुछ प्राणायाम या भस्त्रिका वगैरह करना पड़े, आई डू दैट। खाली कर लिया मैंने अपने आप को, बिल्कुल अब कोई विचार नहीं चल रहा, बैठा हूं दो मिनट के लिए, मैं सिर्फ अब मैंने कह दी अपनी बात, दो मिनट के लिए मैं वेट कर रहा हूं वहां से रिप्लाई आने की, और रिप्लाई आता है। मैंने पूछा अगर मुझे ये काम करना चाहिए तो आप मुझे कुछ इंडिकेशन दीजिए। सीधी सी बात है, अब इंडिकेशन आते हैं और बड़े प्यारे और बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन आते हैं। शुरू शुरू में बड़ी कंफ्यूजन हुआ करती थी, लेकिन अब बिल्कुल क्लियर होता है। शुरू शुरू में जैसे मान लीजिए आपने जब ये कहा, आप बैठे हैं साइलेंट बैठे हैं, तो उस समय में अचानक किसी पत्ते के खड़कने की, पत्तों के खड़कने की आवाज आई, पास के पेड़ से पत्तों के खड़कने की आवाज आई, या बिल्ली की म्याऊं की आवाज आई, या किसी पक्षी के चहकने की आवाज आई। नॉर्मली ये काम मैं अर्ली मॉर्निंग करता हूं, जब बाकी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, जब लोग नहीं होते, जब सब सोए पड़े होते हैं, तब नॉर्मली ये सब काम मैं करता हूं। तो अर्ली मॉर्निंग में उस समय तो और कोई चीज है ही नहीं, सिर्फ प्रकृति है और मैं हूं। तो अगर कुछ भी होना है तो ऐसे ही नहीं होना, मतलब अगर जैसे मान लीजिए कुत्ते वैसे ही गली में पहले से भौंक रहे हैं, तो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अब वो उनके भौंकना कोई इंडिकेशन नहीं है, वो पहले से ही वो कर रहे हैं, तो वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अगर कुछ भी नया होता है तो वो उसको मैं परमात्मा का, यूनिवर्स का हिंट मानता हूं कि हां है। अगर दो मिनट के अंदर अंदर मुझे कोई इंडिकेशन ना मिले तो सिंपल सी बात है, ना है। कभी कभी वो अपनी ना को किसी और ढंग से भी कहलवा देते हैं, जैसे उदाहरण के लिए फूलदान रखा हुआ था, वो नीचे गिर गया, तो फूलदान का नीचे गिरना एक सिंपल इंडिकेशन है कि ये काम नहीं बनेगा, राइट। इसके बजाय जैसे कभी इंडिकेशन हुआ, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन हुआ, पत्तों के सरकने की आवाज कुछ इस तरह से हुई, या किसी पक्षी के चहकने की आवाज, कुहू कुहू की आवाज आई, किसी पक्षी के चहकने की आवाज आई, या कोई भी ऐसा छोटा मोटा हिंट, जब ऐसा होता है तो हम मानते हैं कि ये परमात्मा की तरफ से हिंट है। और इतना क्लियर जब हिंट आता है तो फिर हमें कुछ सेकंड थॉट लगाने की जरूरत नहीं होती। आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप पता लगाइए कि आपके इष्ट कौन है, आपके स्पिरिट गाइड कौन है। अगर आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमारे काउंसलर से बात करके पूछ भी सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो ने आपको इंसाइट दी होगी, आपको समझ दी होगी कि आप अपने स्पिरिट गाइड के बारे में समझ सकें, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।